हमारे चैनल कुकिंग विद सास बहू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सास बहू में खुशामदीद। आज बारिश हुई है और मौसम बहुत प्यारा हो गया है, गर्मी की शिद्दत भी थोड़ी कम हो गई है, और लेकिन सब बीमार हो गए हमारे यहाँ। मैं मेरी नवरानी, हम दोनों ही को ही नज़र खाती है। आप लोग सुनाइए, आप लोग कैसे हैं? बारिश में आप लोग क्या बना रहे हैं? हम लोग आज बनाने जा रहे हैं भरे मसाला भरे हुए कोफ्ते, और जिसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है 3 पाव कीमा लिया है हमने मशीन का पिसा हुआ, इस तरह बारीक कीमा है। 3 टेबल स्पून घर के हमने चनों का पाउडर लिया है। 5 से 6 हरी मिर्चें, 1 टीस्पून हमने गरम मसाला पिसा हुआ, 5 से 6 हमने लहसुन के जवे लिए हैं, 1 टेबल स्पून हमने नमक लिया है, 2 टेबल स्पून हमने खसखस ली है पिसी हुई, 1 प्याज ली है इस तरह बारीक चॉप कर लिया है, और 1 टेबल स्पून पुदीना है, 1/2 इंच अदरक है, और 6 से 7 हरी मिर्चें इस तरह बारीक बारीक इसको कूट लिया है, मतलब बारीक बारीक कर लिया है, बिल्कुल ना फाइन चॉप कर लिया है हमने। ये मसाला हमारे कोफ्तों में भरेगा। और ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 प्याज, 2 बड़े टमाटर, इस तरह हमने पेस्ट बना लिया इसका, आधी प्याली दही, और 1 प्याज बड़ी, और लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून, और 5 से 6 बादाम का पाउडर लिया है हमने, 2 टेबल स्पून भर के हमने हरी लाल मिर्च लिए पिसी हुई, और 1 टेबल स्पून भर के हमने धनिया पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून भर के हमने नमक लिया है, 1-2 तेज़पात लिए हैं, गरम मसाला लिया है मिला जुला 1 अंडा, 2 आलू हैं, और 1 प्याला ऑयल लिया है हमने। सबसे पहले हम कीमा चॉपर में डाल के चॉप करेंगे और उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे ताकि ये फाइन सा पेस्ट बन जाए बिल्कुल। ये खसखस डाल दिए इसमें चनों का पाउडर, ये हमने कोफ्तों की बॉल्स बना लिए। अब हम इसे अंडा लगाकर फ्राई करेंगे। ये हमने अंडा फेंट लिया एक। सारे कोफ्तों को फ्राई करेंगे अंडा लगा लगा के। ये सारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। सबसे पहले हम फ्लेम ऑन करके ऑयल को गर्म होने रख देंगे। बीच में वो आने तक प्याज डालेंगे, प्याज डाल के साबुत गरम मसाला डालेंगे, टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे, प्याज का पेस्ट
फ्लेम सेट करेंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। ये सब ऐड करके अच्छे से मिलाएंगे इसे। फिर इसमें ऐड करेंगे फिटा हुआ दही। अब डालेंगे बादाम जो हमने पीस लिए थे। अब हम इसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे ग्रेवी में। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे दो कप के जितना। आराम आराम से चलाने वरना ये टूट जाएंगे। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू को छील के चार पीस कर लेंगे, हमने तीन आलू लिए। मैं आलू ऐड कर देंगे और इसको ढक कर रख देंगे 15 से 20 मिनट ताकि आलू गल जाए और हमारी ग्रेवी भी अच्छी सी बन जाए। अब हम इसमें हरा मसाला ऐड करेंगे, हरी मिर्चें और हरा धनिया। ये हमारे कोफ्ते आलू रेडी हैं, बहुत मज़े के हैं। आइए मैं आपको एक कोफ्ता ट्राई करके दिखाती हूँ कि ये बीच में से कैसा है। जैसे खुलते ही देखो खुशबू आई, खुशबू आ रही है। अब हम इसको चख के देखते हैं कैसा बना है। बहुत मज़े का है, खुशबू ही बता रही है उसकी। हाँ वहाँ की में बहुत मज़े का है। नज़ले से मुँह खराब होगा, मुँह सही हो जाएगा। आप लोग भी ट्राई करिए और हमें बताइएगा किस तरह के बने आपके। और आप हमारी ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। आप लोग भी ट्राई करें, बहुत मज़े के बनते हैं ये कोफ्ते। और हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमें कॉमेंट्स करके बताएँ हम क्या और क्या नई चीज़ बनाएं जो आप लोग को खाना हो, हमें वो भी एडवाइस दें ताकि हम वो भी बना के बताएं आपको। और अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा, हमें आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने सपोर्ट की और हमें आपकी सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है। ओके, मिलते हैं, मिलाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।